पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद मुरादाबाद बिलारी तहसील के गांव खनकपुर में ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के करवाए गए कार्य से नाखुश होकर ग्रामीणों ने बोर्ड का बहिष्कार करने का किया ऐलान। ग्रामीणों का आरोप है कि हमारे ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत के चलते ग्राम पंचायत में बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है। बताया कि ग्राम प्रधान धर्मवीर सिंह यादव ने आवास के नाम पर किसी से 2000 तो किसी से 10000 तो किसी से 15000 वसूले हैं, जो कि पिछले 2 साल से लगातार गांव में चर्चाओं में रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में ना तो कहीं कोई रास्ता और ना ही कोई हैंडपंप जैसे कार्य भी नहीं कराए गए हैं। यदि ग्राम प्रधान ने अपने पैसों की बात कहते हैं तो गंदी जुबान का इस्तेमाल करते हैं। ग्रामीणों ने आज गुस्से में आकर ग्राम प्रधान और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और बताया हमारे ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, पिछले दिनों बनवाए गए घटिया सामग्री के शौचालय भी टूटे हुए नजर आए, हैंडपंप भी गांव में खराब देखने मिले, रास्ते में गंदगी और गांव में काफी समस्याओं का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है, जिससे आज गुस्से में आकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का नारा है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। इसी बात को लेकर आज तहसील के अधिकारियों के सामने ये बात रखी गई तो अपना पल्ला झाड़ते नजर आए उप जिलाधिकारी कुमार पंकज ने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी वोट करेंगे और यदि ऐसी कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा। कोई भी सफाई कर्मी गाँव में काफी समय से सफाई करने नहीं आता और जिससे गाँव में गंदगी का माहौल बना हुआ है। आज मौके पर ग्राम विकास अधिकारी स्कूल में बन रहे शौचालय को देखने गए तो ग्राम विकास अधिकारी बन रहे शौचालय पर मीडिया के सामने गहराई से जांच की तो गड्ढों में मसाला नहीं पाया गया और कार्रवाई की बात की गई, लेकिन अधिकारी कैमरे पर इस मामले को क्यों नहीं बोल पा रहे। हमारे गांव में कल कुछ अधिकारी आए थे जी, किस बात को लेकर? वो क्या कहते हैं, हमारे गाँव में गाँव के रहते हैं, डॉक्टर करते हैं भाईपुर के, तो उन्होंने कहा था कि हमारे गाँव में कोई सुविधा नहीं है, कोई लाभ नहीं मिल रहा, सारे अधिकारी भ्रष्टाचार हो चुके हैं, क्या गैर रिश्वत को काम नहीं हो रहा, तो उन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी प्रधानमंत्री के लिए, तो वहाँ से तहसील से कुछ अधिकारी आए थे तो उन्हें पुलिस द्वारा उठा लिया गया। तो क्या समस्या है जैसे गांव में? समस्या सारे गांव में गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, कोई भी कर्मचारी वो क्या कहते हैं झाड़ू वाला रोजगार से झाड़ू मारने वाला तो काफी दिनों टाइम से नहीं है, वो तो मोहल्ले में 400 वोट है अपने, हम पे 400 वोट में जितने प्रयास करेंगे उन वोट को नहीं डालेंगे जब तक डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे नहीं आ जाएंगे। लोग इस बात को बोल रहे हैं और बातचीत कर, हम इस बात को कहने को हम थाने जाने को तैयार हैं। वोट कैसे कर देंगे साहब, हमारा एक आदमी थाने में बंद है तो कैसे वोट कर देंगे? गाँव से लेकर ढाके तक मंदिर है हमारे यहाँ, 2 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ पर हमें सड़क डलवानी है। तो किसी भी नेता ने अभी तक यहाँ ना, यहाँ किसी नेता ने आज तक नहीं देखा, क्यों आते हैं नहीं? आते हैं वोट लेने, वोट लेने आते हैं लेकिन उसके बाद नहीं आते हैं वोट लेने के बाद। तो अब क्या आपने ठाना है अपने मन में? अब हमने ठाना है कि ये रोड पड़ेगा तभी वोट करेंगे।